आप सबने बिल गेट्स का फेमस कोट तो सुना ही होगा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। आपने पुअर फैमिली में जन्म लिया ये आपकी गलती नहीं है, मगर आप ये स्टेटस पुअर से रिच किए बिना मर जाते हो तो ये आपकी मिस्टेक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को रिच बनाओ, और ये आप कर सकते हैं बाई नोइंग दिस मनी रूल्स। रिच बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है, जहाँ गोल्स भी है, बाकी प्लेयर्स भी है, और साथ ही कुछ फाइन भी है, और वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। बट हर गेम की तरह इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस गेम के चैम्पियन बन पाओगे और तभी आप रिच बन पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास जैसा रैट ट्रैप में रह जाओगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे रिच लोगों के 5 मनी रूल्स, जिसे वर्ल्ड वाइड रिच लोग फॉलो करते आ रहे हैं। रूल नंबर 1, अर्न वाइल यू स्लीप इफ यू रियली वॉन्ट टू बी वेल्दी। जी हाँ, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको 24 आवर पैसा कमा के दे सके, चाहे आप सो रहे हो तब भी, वरना आप उतना ही कमाओगे जितनी देर आप जग के काम करते हो। क्योंकि ये खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। काफ़ी लोग बस जॉब में ही नहीं बल्कि अपना बिजनेस में भी लाइफ टाइम एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप लाखों कमा रहे हैं लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप उन पैसों को इंजॉय कर सको, या ना आप ये काम कर रहे तो पैसा आते रहे, तो आप रियली में रिच नहीं हो। आपके पास फाइनेंस तो हो सकता है लेकिन फ्रीडम नहीं। तो अगर आपको सच में रिच बनना है तो आप ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जहाँ आप काम भी ना करो या सोए भी रहो तो आपका सिस्टम मनी जनरेट करते रहे। रूल नंबर 2, कंपेयर मनी विथ योर टाइम। अगर आपको भी ज़्यादा पैसा खर्च करने का आदत है और आप कुछ भी चीज़ खरीद लेते हो और बाद में पछताते हो कि यार मैंने इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, तो ये रूल आपके लिए ही है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ खरीदें तो ये रूल याद रखें कि आप उस चीज़ के प्राइस से अपना वर्किंग टाइम को कंपेयर करें। अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आपको कोई 4,000 का वॉच पसंद आ गया, तो आप उस वॉच को फीलिंग के अकॉर्डिंग खरीदने की जगह उस वॉच को अपनी पर आवर या पर डे के इनकम से कंपेयर करना, यानी अपने कितने घंटे के हार्ड वर्क का पैसा आप उस वॉच पे लगा रहे हैं। क्या ये आपका हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा डिजर्व करता है? अगर हाँ तो आप उसे खरीद सकते हैं, और अगर नहीं तो आप उसे छोड़ दें। ये रूल बस आपके इमोशन के बेसिस पे खर्च करने की आदत को छुड़वा देगा। रूल नंबर 3, डोंट सो योर मनी। इन द एरा ऑफ कैपिटलिज्म ज़्यादातर लोगों को ये सो करना अच्छा लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है और वो पहले से कितना ज़्यादा पैसे कमाने लगे और ये कितना ग्रो कर चुका है। क्योंकि दिस इज़ ट्रू कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन दूसरे की नज़र में हमारा सोशल स्टेटस डिफाइन करता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मनी मैग्नेट की तरह काम करती है। सडनली लोग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, आपसे अच्छा बिहेव करने लगेंगे, और ये अटेंशन लोगों को बहुत अच्छी लगने लगती है क्योंकि ये चीज़ उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाती है। बट वहीं आपकी फैमिली और आपके अच्छे दोस्त को छोड़कर मोस्टली लोग आपके सामने अच्छा बनेंगे या आपसे सिर्फ इसलिए रिलेशन रखेंगे ताकि उनका फ़ायदा हो। अपनी पावर या एडवांटेज को सही टाइम के लिए सेव करके रखो ताकि आपको सच में ज़रूरत पड़े तब आप उसका यूज़ कर सके। इसलिए आपको अपनी मनी और अपना वेल्थ को शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 4, डोंट चेज मनी अट्रैक्ट मनी। आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि आप मनी के पीछे नहीं भागो, मनी आपके पास खुद आए। आपका स्किल और एक्सेलेंस के वजह से आप जितना वैल्यूएबल बनोगे आपको लोग उतना ही पैसा देंगे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए रेडी होंगे। आपने देखा ही होगा कि कुछ सक्सेसफुल पीपल कुछ देर का स्पीच देने का लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। रूल नंबर 5, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप अपने लाइफ में लर्न करो, उसके बाद आप उस लर्न से एल रिमूव कर दो। इसका मतलब आप सबसे पहले लर्न करो देन अर्न करो। जैसे कि इंटरनेट की वजह से ये वैल्यूएबल कंटेंट आप फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक पढ़नी पड़ती है, लेकिन
कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करो। जितना ही आप न्यू थिंग्स में सीखते हो उतना ही आपका विज़न बड़ा होते जाता, और आप जितना अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड आर्टिकल्स या बुक्स पढ़ोगे या वीडियोज़ देखोगे उतना ही आपको इस मनी गेम के नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा रिच बनने का। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल सीखने या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि हम खुद नहीं बल्कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। खास तौर पर ये 5 मनी रूल्स बिजनेसमैन, कॉलेज स्टूडेंट, सर्विस होल्डर जैसे को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये मनी रूल्स से आम इंसान को भी मनी के सेविंग और कंज्यूमिंग हैबिट्स का आइडिया मिलता है। तो अगर आप भी इस वीडियो के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड नॉलेज गेन किए तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज फॉर मोर financial content and subscribe